तो आज के लेसन हम लोग सीखेंगे हम लोग खुद का कंपोजिशन कैसे कर सके यूकुलेले पे। तो ये लेसन वो भी फॉलो कर सकते हैं जिनका थ्योरी का कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं आपको एक लॉजिक बता दूंगा, वो अप्लाई करके आप कोई भी कंपोजिशन अपना कर सकते हो यूकुलेले पे। तो काफी टाइम क्या होता है, आप लोग अपना खुद का कोई एक कॉर्ड प्ले कर रहे हो, डी मेजर हो गया, एंड आप कोई धुन गुनगुना रहे हो, पर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको नेक्स्ट कौन सा कॉर्ड लगाना है। तो आज का लेसन देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कैसे आप खुद का कंपोजिशन कर सकते हो यूकुलेले पे, बोथ मेजर एंड माइनर की में। तो अभी आज का लेसन स्टार्ट करेंगे। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहा है, जरूर इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए भी शुरू करते हैं। तो चलिए भी सोच लीजिए आप डी मेजर प्ले कर रहे हो यूकुलेले पे, ठीक है, ऐसा कि ऐसा कैसे प्ले कर सकते हो, एंड आप उसमें कुछ गुनगुना रहे हो पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा लगाना है। तो चलिए भी देखते हैं कि हम लोग डी मेजर की में सभी कॉर्ड्स को कैसे डिराइव करें, कैसे खुद का कंपोजिशन करें। तो अभी मैं आपको पेपर पेन की ओर ले चलूंगा, वहां पे आपको कुछ लॉजिक समझाऊंगा, कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, आपको आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आइए अभी देखते हैं कि हम लोग डी मेजर पे कोई गाना कैसे कंपोज कर सके। तो आपको पहला काम ये करना है कि उसका स्केल पहले निकालना है डी मेजर का, एंड उसका बेस्ट वे कि आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। ये आपका रूट होल होल हाफ होल 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 हाफ। तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, मैं आपको अभी ब्रीफली सब समझा दूंगा। तो रूट मतलब आपका जो डी मेजर है कि सी मेजर, जो भी आप स्केल निकाल रहे हो उसका नोट लिखना है, दैट इज डी। एंड जो होल आ रहा है, होल मतलब आपका जो म्यूजिक का नोट से, इसको आपको एक बार लिख के रख लेना है, ए बी फ्लैट बी सी सी साहब डी डी साहब ई एफ एफ साहब जी जी साहब, ठीक है। आपका जो ए से बी आप बी फ्लैट मूव कर रहे हो, बी फ्लैट से बी मूव कर रहे हो, उसको हम लोग हाफ नोट्स बोलते हैं। एंड अगर आप ए से बी मूव कर रहे हो, बी से सी साहब मूव कर रहे हो, उसको हम लोग होल नोट बोलते हैं। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे सब नोट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी स्केल का जो फॉर्मूला बना, पहले रूट नोट बन गया डी, देन ई एफ साप जी ए बी सी साप डी। तो इसका इंटरवल अगर हम चेक करेंगे तो डी आपका रूट बना, देन ए होल नोट बना, डिफरेंस डेट इज डी डी साप ई ई एफ एफ साप, देन एफ साप से जी हाफ, देन जी से ए होल, ए टू बी होल, देन बी टू सी साप होल, देन सी साप टू डी हाफ। तो ये आपका नोट्स बन गया डी मेजर स्केल का। तो चलिए देखते हैं इसका कॉर्ड्स कैसे निकालेंगे ये सब नोट्स से। कॉर्ड्स निकालने का भी एक फॉर्मूला है, आपका जो पहला नोट बनता है वो हमेशा मेजर कॉर्ड बनेगा, डेट इज डी मेजर। आपका जो सेकंड बनता है ई, वो हमेशा माइनर बनता है। जो एफ शार्प है थर्ड, वो भी माइनर बनेगा। आपका जो फोर्थ नोट है जी, वो बनेगा आपका मेजर। फिफ्थ बनेगा मेजर, सिक्स बनेगा आपका माइनर, एंड सेवन्थ बनता है डिमिनिश, जो कि ज़्यादा यूज नहीं होता इसलिए हम लोग उसको स्किप कर लेंगे, हम लोग बस बेसिक नॉर्मल मेजर माइनर में अभी करेंगे। तो अगर आपको ये वाला रिटर्न में चाहिए, मैं इसका एक स्नैप दे दूंगा वेबसाइट पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो हमको डी मेजर में क्या क्या कॉर्ड्स मिल गए, डी मेजर की में डी ई माइनर एफ सब माइनर जी मेजर ए मेजर एंड बी माइनर। तो इन्हीं सिक्स कॉर्ड्स में आप लोग अपना कंपोजिशन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये लॉजिक आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मेजर की पे। यहाँ पे अगर आपको सी का निकालना है तो आपको सी का निकल गया सी डी माइनर ई माइनर एफ जी ए माइनर। तो ऐसे करके आप कोई भी मेजर की में निकाल सकते हो, ई मेजर हो गया, एफ शार्प मेजर हो गया, बी फ्लैट मेजर हो गया। तो चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैसे आप अपना खुद का प्रोग्रेशन बना सकते हो कॉर्ड्स निकालने के बाद। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया कि मेजर की में कैसे आप गाने कंपोज कर सकते हो, कैसे कॉर्ड्स निकाल सकते हो। ये बस सिंपल लॉजिक है, उसमें आप दूसरा आउट ऑफ की एक्सीडेंटल कॉर्ड्स भी लगा सकते हो, पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल रखेंगे बिगिनर्स के लिए। तो आपने देखा डी मेजर में आपके कौन कौन से कॉर्ड्स निकल गए, डी मेजर निकला, ई माइनर निकला, एफ शार्प माइनर निकला, जी मेजर निकला। तो आप क्या कीजिए, इन्हीं कॉर्ड्स को लेके अपना खुद का एक प्रोग्रेशन बना लीजिए, कोई भी रैंडम प्रोग्रेशन जो कि आपको सुनने में अच्छा लगे। प्रोग्रेशन बनाने का भी लॉजिक है, उसमें डोमिनेंट सब डोमिनेंट कॉर्ड्स आता है, पर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी फील के ऊपर जाएंगे कैसे आपको अच्छा लग रहा है। तो सोचिए आप डी मेजर बजा रहे हो, अब रैंडमली कोई दूसरा कॉर्ड ले लो, एफ शार्प माइनर ले लो, अच्छा लगा सुनने में जी मेजर, ए मेजर, बैक टू डी मेजर। तो अगर आपको ये प्रोग्रेशन ठीक लग रहा है, आपका धुन मैच कर रहा है, आप आराम से प्रोग्रेशन ले सकते हो, वरना आप खुद का ही ट्राई करना डी के बाद कौन सा आपको कॉर्ड बेटर लग रहा है, एफ शार्प माइनर की डी के बाद आप जी ले सकते हो। कोई भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अपना खुद का प्रोग्रेशन बनाने का। तो सेम चीज आप कर सकते हो सी मेजर पे भी, हमने जैसे देखा सी मेजर का, सी मेजर ए माइनर, ठीक है, आप आराम से वहां पे भी कुछ भी कंपोजिशन कर सकते हो, जी मेजर एफ मेजर
तो ऐसे करके आप कोई भी मेजर की में अपना कंपोजिशन कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है वो जो मैंने बताया आपको पेपर पेन में, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए, कहीं पे लिख के रख लीजिए, आपको काफी हेल्प करेगा फ्यूचर में। तो चलिए अभी माइनर की ओर चलते हैं। तो सेम लॉजिक हम लोग माइनर की में भी यूज करेंगे अगर आपको माइनर की में गाना बनाना है। तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है माइनर का, आपका होता है रूट होल हाफ होल होल हाफ होल होल। बाकी ये जो रूट एंड होल उसका कंसेप्ट पूरा सेम है, रूट होल हाफ जो इंटरवल्स है वो पूरा सेम है आपका मेजर की जैसा। तो सिमिलरली आपका माइनर में क्या बन गया, बी माइनर का नोट्स क्या निकला आपका, बी सी साफ डी ई एफ साफ जी ए एंड बी। पर यहाँ पे जो इसका कॉर्ड का फॉर्मूला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपके एक्स्ट्रा कॉर्ड्स लगते हैं माइनर की में, क्योंकि आपका माइनर बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है, मेलोडिक नेचुरल एंड हार्मोनिक, तो उसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें जो कॉर्ड्स लगेगा उसका फॉर्मूला रहेगा कि पहला हमेशा माइनर रहेगा डेट इज बी माइनर, सेकंड बनेगा माइनर सी सब माइनर, थर्ड बनता है मेजर डेट इज डी मेजर, पर इसका जो यहाँ पे फोर्थ नोट बनता है वो बन गया आपका मेजर की माइनर, कुछ भी बन सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। इसका फिफ्थ भी बनेगा आपका मेजर माइनर, सिक्स बनता है मेजर एंड सेवन बनता है मेजर। इन्हीं के बीच में आपका डिमिनिश कॉर्ड्स भी लगता है जो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ, बस मेजर माइनर में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डालने के बाद आपको जो बी माइनर के कॉर्ड्स निकल गए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉर्ड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बना आपका बी माइनर सी सब माइनर डी मेजर ई मेजर ई माइनर दोनों लगा सकते हैं हम लोग, एफ सब माइनर दोनों लगा सकते हैं एंड जी मेजर एंड ए मेजर। तो इन्हीं कॉर्ड्स में आपका माइनर की में बी माइनर की में गाना बन जाता है। तो सिमिलरली ये कंसेप्ट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो माइनर की में, कोई दूसरे की में, सोचिए आपको ई माइनर में निकालना है तो सेम फॉर्मूला डाल के आप ई माइनर का भी कॉर्ड्स निकाल सकते हो। तो चलिए भी माइनर का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि माइनर की भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कॉर्ड्स आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपको थोड़ा ज्यादा स्कोप मिलेगा वेरिएशन करने का। जैसे कि हमने देखा बी माइनर जो था उसमें आपका काफी अलग अलग कॉर्ड्स लग रहा है, दैट इज आपका वहाँ पे ई मेजर ई माइनर दोनों लग रहा है, डेट इज ई माइनर ई मेजर दोनों आप यूज कर सकते हो, वहाँ पे एफ शार्प माइनर एंड एफ शार्प मेजर दोनों यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको प्रोग्रेशन बनाने में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, आप एक पार्ट में बी माइनर से ई माइनर ले लेना, द नेक्स्ट पार्ट में बी माइनर से ई मेजर, तो काफी आपको अच्छा लगेगा सुनने में एंड काफी आपको एक स्कोप मिलेगा वेरिएशन करने का। मेन चीज है कि आपको बस थोड़ा अपने फील के ऊपर जाना है, इतना थ्योरी भी जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हो बस ये दो तीन फॉर्मूला आप याद रख लो, बस दो ही फॉर्मूला है, स्केल निकालने का देन कॉर्ड निकालने का, तो उसके बाद आप आराम से अपना खुद का प्रोग्रेशन बना सकते हो, काफी आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हो बोल के, ठीक है। तो सेम ई माइनर पे भी स्केल पे इसको अप्लाई कर सकते हो, ई माइनर का क्या होता है ई माइनर जी मेजर ए माइनर ए मेजर दोनों बनेगा, ए माइनर ए मेजर बी मेजर बी माइनर दोनों लगा सकते हो आप, सी मेजर डी मेजर, ठीक है। तो आप आराम से इसको फॉलो करो, खुद का कंपोजिशन करो कोई भी की पे, अगर बी माइनर हो गया कि ए माइनर हो गया जी माइनर एफ सब माइनर, कहीं पे भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आज का लेसन यहीं पे रखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये कहीं पे मिलेगा नहीं अगर आप क्लासेस जा रहे हो, ये सब आपको कोई बताता नहीं ज्यादातर, ठीक है। तो एक्चुअली बिगनर्स को भी बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये, तो जरूर इसको फॉलो कीजिए आप। अगर कोई भी डाउट हो आपका आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, वरना इंस्टाग्राम में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।